एक्सप्रेस रिपोर्टर में बहुत स्वागत है आपका, और मैं हूँ आपके साथ अमनदीप। चलिए सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल का। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए हुआ आज मतदान। 206 विधायकों ने लिया हिस्सा। मध्य प्रदेश से 3 सीटें राज्यसभा के लिए जाती हैं, उसके लिए आज 19 जून को मतदान हुआ। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मतदान हुआ, और उसके साथ ही पूरे प्रदेश में 230 सीटें यहां पर विधानसभा की हैं, जिसमें से 24 सीटें रिक्त हैं। 206 विधायकों ने मतदान किया, और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस राज्यसभा से 2 सीट मिली और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई। सपा, बसपा और निर्दलीय विधायक भाजपा के खेमे में नजर आए। मध्य प्रदेश से 3 राज्यसभा सीटों के लिए 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है और 1 सीट कांग्रेस को मिली है। सपा, बसपा और निर्दलीय विधायक भाजपा के खेमे में नजर आए। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि निर्दलीय विधायकों सहित सपा बसपा का भाजपा में होना कहीं न कहीं भाजपा की जीत नजर आता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर अरविंद चौहान। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के लिए कोरोना ग्रस्त कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया। कोरोना संक्रमित कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने भी राज्यसभा चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग किया। सभी 205 विधायकों के वोट डालने के बाद कुणाल चौधरी ने सबसे आखिर में वोट डाला। कुणाल चौधरी के वोट डालने के लिए विधानसभा में विशेष इंतजाम किए गए थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम कुणाल चौधरी के घर पहुंची और इस टीम ने कुणाल चौधरी को पीपीई किट पहनाया, और इसके बाद एम्बुलेंस में बैठकर कुणाल चौधरी वोट डालने विधानसभा पहुंचे। मध्य प्रदेश विधानसभा में एकमात्र कुणाल चौधरी ही ऐसे विधायक हैं जिन्होंने पीपीई किट पहनकर मताधिकार का प्रयोग किया, क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव थे। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर निर्मल सिंह बैस। शक्ति नगर पालिका क्षेत्र में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की लापरवाही के चलते पालिका को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। शक्ति नगर पालिका को आज जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बदौलत करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल क्षेत्र में वर्षों पूर्व करोड़ों की लागत से 4 जगहों पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया था, मगर इन दुकानों में आज लटके ताले और बंद शटर कॉम्प्लेक्स की शोभा बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि निर्माण के वर्षों बाद भी अधिकांश दुकानों की नीलामी या आवंटन नहीं किया गया है, जिसके चलते अधिकांश दुकानों में या तो ताले लटके हुए हैं या लोगों के द्वारा इन दुकानों में अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। मगर लगता है कि नगर पालिका के जिम्मेदारों को इससे कोई मतलब नहीं है। वहीं करोड़ों की लागत से बना कॉम्प्लेक्स जरूरतमंदों को न देकर नेताओं के करीबी अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रवि गोयल, जांजगीर। बैरागढ़ के भजन दल के कार्यकर्ताओं ने चीन और भारत के बीच चल रहे विवाद को लेकर आज चीनी सामान का बहिष्कार किया और चीनी सामान की होली जलाई। राजधानी भोपाल के चंचल चौराहे पर आज भजन दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। भारत और चीन के बीच में चल रहे विवाद के चलते चीनी सामान के बहिष्कार करने की बात करी। चीनी सामान की आज होली जलाकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। उनका साफ कहना है कि भारत का कोई भी नागरिक चीनी सामान का उपयोग नहीं करे, जिससे चीन मजबूत होता जा रहा है। आज भारत की स्थिति के हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति सामान नहीं खरीदेगा तो जल्द से जल्द चीन की स्थिति खराब हो जाएगी। भजन दल के कार्यकर्ताओं ने बैरागढ़ के चंचल चौराहे पर पुतला दहन किया और चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका साफ कहना है कि चीन और भारत के बीच चल रहे विवाद जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर विवेक शर्मा। अबकारी विभाग और शराब ठेकेदारों की मन मर्जी के हिसाब से बिक रही है शराब। अबकारी विभाग की उदासीनता के चलते मदरा प्रेमी की ट्रिप ढीली हो रही है। खासतौर पर ग्रामीण अंचलों में संचालित होने वाली देशी और अंग्रेजी दुकानों पर बिकने वाली शराब ऊंचे दामों में बिक रही है, जिससे मदरा प्रेमियों को काफी दिक्कत हो रही है। अबकारी विभाग भी इस मामले में चुप्पी साधे बैठा है। अबकारी विभाग की चुप्पी भी इन शराब ठेकेदारों को बढ़ावा दे रहे हैं, या यूं कहा जाए कि अबकारी विभाग और बिहार और ग्रामीण अंचलों में बिकने वाली शराब में दोनों जनों की मिली भगत के कारण मदरा प्रेमियों की जेबों में लोग डाका डाल रहे हैं, और मदरा प्रेमी
अपने इस चौक में लुटते जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मदरा प्रेम ऊंचे रेटों पर शराब लेने को मजबूर, इसमें अबकारी विवाह बेटा है चुप्पी साथी सागर से एक्सप्रेस को 11,000 केवी लाइन के संपर्क में आने से एक युवक की मौत, एक गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय कटनी किया गया रेफर, जीन शेड निर्माण के दौरान घटी घटना। पवई बस स्टैंड स्थित मकान में वेल्डिंग कर रहे दो मजदूर 11,000 केवी लाइन के संपर्क में आ गए, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में कटनी के लिए रेफर किया गया। बताया जाता है कि पन्ना कटनी मुख्य मार्ग पर एक मकान के बाहर टीन सेट का निर्माण कार्य चल रहा था, तभी टीन सेट के पाइप उठाने के दौरान पाइप 11,000 केवी विद्युत लाइन से जा टकराया, जिससे दो मिस्त्री करंट की चपेट में आ गए। आसपास खड़े लोगों ने आनन फानन में दोनों घायल मिस्त्रियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद राजा चौधरी को मृत घोषित कर दिया गया। दूसरे युवक राजा यादव को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय कटनी के लिए रिफर किया गया। दोनों युवक कटनी जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। पवई से एक्सप्रेस रिपोर्टर सतीश पटेल। राजधानी में देखो बदमाश, पस्त पड़ी कानून व्यवस्था। लॉकडाउन खुलते ही शहर में अब अपराधी सक्रिय नजर आ रहे हैं, नतीजा शहर में खुलेआम गुंडागर्दी का माहौल छाया हुआ है। दरअसल शहर के कुलार थाना क्षेत्र में एक व्यापारी पर कुछ बदमाशों ने प्राण घातक हमला कर दिया, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी में स्पष्ट देखा जा सकता है किस तरह से बदमाश फिल्मी स्टाइल में आकर युवक के साथ मारपीट करते हैं। इस पूरे मामले में बताया जा रहा है हमला करने वाला बदमाश जीतू यादव नाम की गुंडा है और व्यापारी से लोगों की मदद करने को लेकर खफा था। नतीजा जीतू यादव ने व्यापारी को सरेआम तलवारों से मारपीट की, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है, लिहाजा युवक का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस अभी भी हमला करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। बेखौफ बदमाशों ने राजधानी भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र में किया व्यापारी पर तलवारों से हमला। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर दुर्गेश गुप्ता। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में चिरौटी नामक एक ऐसा भी गांव है जो कि चोर गांव के नाम से बदनाम है, जहां घर घर में अपराध से जुड़े लोग रहते। शुरुआत में शिक्षा का अलख नहीं जगने और जिला मुख्यालय व पुलिस थाना से दूरी होने की वजह से यहां के लोग अपराध के दलदल में फंसते गए। आने जाने के लिए रास्ता नहीं होने से टापू में तब्दील चिरौटी गाँव देखते ही देखते समाज मुख्य धारा से विमुख हो गया। यही वजह है कि 70 सालों से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त यहाँ के लोगों का कारनामा मुंगेली जिले तक सीमित न रहकर आसपास के दर्जन भर जिलों में दर्ज है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग अब पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षित होने के बावजूद पीढ़ियों का असर अब परंपरा के रूप में पड़ता जा रहा है। यही वजह है कि युवा वर्ग भी अपराध के दलदल में फंस गए हैं। सबसे ज़्यादा अब यहाँ विवाह योग्य लड़का एवं लड़कियों को होने लगी है, क्योंकि आपराधिक दाग की वजह से यहाँ कोई रिश्ता जोड़ना नहीं चाहता। हर हाल मुंगेली पुलिस के प्रयासों से चिरौटी गांव के जो आपराधिक किस्म के लोग हैं वो समाज की मुख्य धारा में लौट रहे हैं, इसे एक अच्छी खबर मानी जा रही है। मुंगेली से एक्सप्रेस रिपोर्टर रोहित कश्यप। सिकल सेल रोग के चपेट में प्रदेश के 10% आबादी, अब तक नहीं मिला इसको जड़ से खत्म करने की दवा। दरअसल प्रदेश में सिकल सेल की मरीजों की संख्या अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है, अब तक 10% आबादी इसके गिरफ्त में आ चुका है। यह आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। सिकल सेल मरीजों का ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक अस्थायी व्यवस्था है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट ही बीमारी का जड़ से इलाज है। जागरूकता से लोगों को बचाया जा सकता है। सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ के महानिदेशक डॉक्टर रणवीर निरल ने कहा कि शादी से पहले लड़का लड़की सिकल सेल की जांच कराएं, अगर सिकल सेल की पुष्टि होती है तो डॉक्टर की सलाह लें। अगर लड़का या लड़की दोनों में से किसी एक को सिकल सेल है तो शादी में दिक्कत नहीं है, उनकी संतान स्वस्थ होगी, लेकिन दोनों को सिकल सेल है तो शादी नहीं होनी चाहिए। इस रोग को जड़ से खत्म करने की उपयुक्त दवा नहीं होने कारण फिलहाल सावधानी इसका उपयुक्त इलाज है, और सावधानी बरतने से ही फीवर रूपी गाड़ी को आम लोगों की तरह जिया जा सकता है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्यराजपूत। लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया रेलवे ओवरब्रिज लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, जो किसी बड़े दुर्घटना को आमंत्रित कर रहा है। आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखकर अकलतरा रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराया गया था, जिसमें निर्मित गड्ढे, सरिया, अघोषित गाड़ी पार्किंग व जानवरों के ठिकाने होने से तथा बरसाती पानी के निकासी की व्यवस्था न होने से उत्पन्न जल भराव से दालगिरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे छोटे हादसे निरंतर हो रहे हैं।
वह बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। 13 करोड़ की लागत से बना यह ब्रिज अपने निर्माण काल से ही विवादों में रहा है तथा ब्रिज उद्घाटन के कुछ समय बाद ही इस पर गड्ढे व सरिया निकल आए थे, जिसे मरम्मत कराने के नाम पर अधिकारी अपने जेब भरते रहे हैं। विधायक के प्रयासों से 54 लाख रुपए की राशि इसके मरम्मत हेतु प्रदान की गई है, जिसके मरम्मत का श्री गणेश हेतु पूजन किया जा चुका है व 10 दिनों से अधिक समय हो जाने के बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। ऐसे में देखना होगा कि जिस ब्रिज का मरम्मत कार्य कब तक प्रारंभ हो पाता है, जिससे लोगों को दिक्कतों से राहत मिल सके। अकलतरा से एक्सप्रेस रिपोर्टर शैलन कुमार श्रीवास। नवागत एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा के आते ही खनन माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत खातेगांव पुलिस ने रेत के अवैध ट्रैक्टरों पर कार्रवाई की। लंबे समय से खनन माफिया नर्मदा नदी से बालू रेत का अवैध खनन कर परिवहन कर रहे थे। पूर्व में खनन माफियाओं पर कभी कभार कोई कार्रवाई की भी जाती थी तो सिर्फ चोरी का मामला दर्ज किया जाता था। आज सूचना मिलने पर एडिशनल एसपी के निर्देश पर रेत से भरे ट्रैक्टर जब्त किए गए, जिन पर चोरी का अपराध पंजीबद्ध करते हुए साथ ही राजस्व संहिता की धारा एवं माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर खनिज विभाग को ट्रैक्टर सुपुर्द किए गए। हालांकि रेत माफिया द्वारा बालू रेत का नर्मदा नदी से अवैध खनन अभी तक किया जा रहा है, लेकिन संबंधित विभाग राजस्व एवं खनिज विभाग आज भी आंखें मूंदे बैठे हैं। खातेगांव से एक्सप्रेस रिपोर्टर दुर्गेश पवार। पंचायत रोंड की ग्राम पंचायत मानगढ़ में पीएचई की लापरवाही के चलते स्थानीय लोगों को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पा रहा है। जनपद पंचायत रोंड की ग्राम पंचायत मानगढ़ में इन दिनों पानी की समस्या से स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। पीएचई विभाग द्वारा यहां बोरवेल कराकर और टंकी बनाकर घर घर पानी पहुंचाना था, जो योजना केवल 1 वर्ष तक चली, जिसके बाद यह योजना पूरी तरीके से फेल हो गई, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों से भी की। जनप्रतिनिधि आश्वासन देकर वापस ही नहीं आते थे। अब स्थानीय लोगों में रोष है कि मेगा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में यह जनप्रतिनिधियों को जवाब देंगे कि इनके स्वच्छ पेयजल के लिए पानी की व्यवस्था जनप्रतिनिधियों ने क्यों नहीं की। रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि स्थानीय लोगों को स्वच्छ पेयजल मिल सके, लेकिन मानगढ़ में लगातार लापरवाही की जा रही है। आप देखना ये होगा कि खबर दिखाने के बाद पीएचई विभाग हरकत में आता है या नहीं। राघवेंद्र सिंह, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रॉन विंड। नीमच शहर तीनों ओर से नालों से पटा और इस बार फिर नालों में नीमच नगर पालिका की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही। शहर के नालों से इस बार भी नगर पालिका ने सिर्फ एक मशीन के जरिए सफाई का काम शुरू किया है और अब ऐसे में बरसात भी ज्यादा दूर नहीं है। आपको बता दें कि शहर के तीनों ओर फैले नाले जलकुंभी से पटे पड़े हैं। इस बार भी नगर पालिका की लापरवाही से शहर के अम्बेडकर व एकता कॉलोनी को बरसात में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। नीमच नगर पालिका की हर बार की लापरवाही कई क्षेत्र के लोगों को बरसात के समय में प्रभावित करती है। देखना होगा इस बार भी कई लोग इस बारिश से परेशान होंगे। एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास राव शिंदे, नीमच। नगर नीम के करोड़ों की जमीन भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। प्रशासन ने भी उनके नाम कर लिया। सरकार के अधिकारी हैं लेकिन अधिकारी भूमाफियाओं का काम कर रहे हैं। करोड़ों रुपए की सरकार की जमीन को भूमाफियाओं के नाम चढ़ा दिया और ये सब कारनामा जिला प्रशासन में बैठे अधिकारी कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर भूमाफियाओं को संरक्षण देने वाले और उनका साथ देने वाले अधिकारियों का क्या होगा। ये पहला मामला नहीं है, लगातार ऐसे इस तरीके से सरकारी जमीन को बंदर बांट कर रहे हैं। फर्जी तरीके से जिला प्रशासन के अधिकारी ही बांट रहे हैं। ऐसे में सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान भी होगा और ये जमीन भूमाफियाओं के हाथ में चले जाएगी। ऐसा एक मामला इमलीपारा में सामने आया है, जिसमें करोड़ों रुपए की जमीन है, राजस्व नगर निगम की थी, उस जमीन को भूमाफियाओं ने अपने कब्जे में जिला प्रशासन के अधिकारियों की मदद से करवा लिया और इस मामले में जिला प्रशासन और नगर निगम ने जरूर इस मामले में एडीएम के पास दौड़ लगाई है और गुहार लगाई है, मांग की है कि उनकी जमीन वापस। भूमाफिया इतने सक्रिय है कि नगर निगम की शहर की बेशकीमती जमीन को अपने नाम करा लिया और जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी ने भी इसमें भूमाफियाओं का साथ दिया। बिलासपुर से रिपोर्ट शैलेंद्र। कोरोना महामारी को लेकर इंदौर शहर में लगातार राहत की खबर मिलना शुरू हो गई है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार इंदौर जिले में 55 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जबकि नेगेटिव मरीजों की संख्या 2341 रही। गुरुवार को
2439 सैंपल टेस्ट किए गए थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एन पी शर्मा ने बताया कि अब तक इंदौर जिले में 59,841 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से अब तक 4,246 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। जिले में कोरोना के संक्रमण की वजह से अब तक 189 लोगों की जान भी जा चुकी है। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उपचार में स्वस्थ होने पर कल 18 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं अब इंदौर जिले में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,149 तक पहुंच गई है, जिनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो चुकी है। जिले में अब 908 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का अभी उपचार चल रहा है। कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है, यही कारण है कि इंदौर के अंदर रिकवरी दर पहुंचकर 75% तक पहुंच गया है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। कोरोना के संक्रमण को बढ़ता हुआ देखते हुए प्रशासन ने आज से पूल टेस्टिंग की व्यवस्था शुरू कर दी है, जिसमें पहले दौर में ऑटो और टेम्पो चालकों के टेस्ट किए जा रहे हैं। ग्वालियर के कुछ इलाकों में कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका के चलते जिला प्रशासन ने कोरोना के पूल टेस्ट कराना शुरू कर दिया है। इसके तहत आज फूलबाग इलाके में सवारी वाहन चलाने वाले ऑटो और टेम्पो चालकों का सामूहिक टेस्ट किया। इसके लिए ग्राउंड में बाकायदा कैंप लगाया गया था। दरअसल में सवारी वाहन चालकों के टेस्ट इसलिए भी कराए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से अनलॉक बंद के बाद सभी सवारी वाहन चालकों को छूट दे दी गई थी कि वह सवारी बिठाकर चल सकेंगे, इसके बाद से ये लोग अपने कारोबार में जुटे हुए हैं। यही कारण है कि इनका टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि इस दौरान हर तरह के यात्री इनके वाहनों में यात्रा कर चुके होंगे और टेस्ट के जरिए सुनिश्चित हो जाएगा कि कहीं किसी वाहन चालक में कोई संक्रमण तो नहीं है। इस दौरान वाहन चालकों को सैनिटाइजर और मास्क भी वितरण किए गए, उनके वाहनों को भी सैनिटाइजर किया गया। अनलॉक बन के बाद ये ऑटो टेम्पो चालक शहर की सड़कों पर आ गए थे और अपना व्यवसाय करना शुरू कर दिया था। इस बीच ग्वालियर में कई कोरोना पॉजिटिव निकल कर सामने आए, यही कारण है कि प्रशासन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कहीं किसी यात्री से इन लोगों को संक्रमण तो नहीं फैल गया। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। इश्कबाजी और शराबखोरी में युवक की हुई हत्या की गुत्थी सुलझाने में लोधीखेड़ा पुलिस हुई कामयाब। इस युवक पर शराब के साथ साथ इश्कबाजी का भी भूत सवार हो गया और लोधीखेड़ा थाने के ग्राम कवर पीपला में एक लड़की के साथ उसने छेड़छाड़ करने पर उसके भाई व उसके दोस्तों ने उसे खोपना मौत के हवाले कर दिया। आस्तिक सचिन ने अपने मित्र शुभम तिजारे उम्र लगभग 22 साल, रुपम गणोरकर उम्र लगभग 20 साल के साथ मिलकर छोटू कटरे को मारने का प्लान बनाया है। वो 5 जून 2020 को छोटू को जो शराब का भी शौकीन था कबर पीपला में देखा गया, जहां शराब से लोटपोट छोटू के हाथ पर बांधकर नदी से लगे कुएं में बड़ा पत्थर बांधकर फेंक दिया गया और लगभग 10 दिन बाद उसकी लाश कुएं में तैरती नजर आई। तब लोधीखेड़ा पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में मामले की खोजबीन की। वो लाश मिलने के महज एक दिन बाद चारों आरोपियों को दबोच लिया, जहां चारों आरोपियों को हत्या व साक्ष्य छुपाने की धारा के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। देखना है अब न्यायालय इन पर कौन सी कार्रवाई करता है। सौसा से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। बदनावर नगर में 2 युवकों को कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद में क्षेत्र में हलचल मच गई। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम क्षेत्र में जांच पड़ताल कर रही है। नगर के 2 अलग अलग मोहल्ले में रहने वाले 2 युवकों को कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। जानकारी के अनुसार 6 दिन पहले जेल रोड व मिडिल स्कूल क्षेत्र में रहने वाले 2 युवकों को सर्दी खांसी व बुखार के लक्षण थे, जिनकी जांच कर सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनकी रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव आया है। यह खबर क्षेत्र में फैलते ही लोगों में हलचल मच गई। इन इलाकों को सैनिटाइज किया गया है, वहीं दोनों युवकों को इलाज के लिए धार भेजा गया है। कोरोना के कारण स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अलर्ट हो गई है। ज्ञात हो कि बदनावर में पहली बार कोरोना ने दस्तक दी है। फिलहाल कलेक्टर ने दोनों इलाकों को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है तथा आसपास में रहने वाले लोगों की जांच की जा रही है तथा दोनों इलाकों को जालियां लगाकर बंद कर दिया गया है। बदनावर से रिपोर्टर मनोज सोलंकी। राजगावा जनपद की ग्राम पंचायत देवलहा में जिस सरपंच ने हैंडपंप लगवाया, वही हैंडपंप के पाइप और सबमर्सिबल उखाड़ कर ले गया। पंचायत की संपत्ति खुर्दबुर्द हो गई, मगर आज तक किसी ने सुध तक नहीं ली। देवलहा पंचायत के गुड़ान टोला में सभी हैंडपंप जवाब दे चुके हैं। ऐसे में ग्रामीणों के सामने पानी का गंभीर संकट है। गुड़ान टोला में एक ऐसा हैंडपंप लगा है जो सिर्फ नमूने के तौर पर ही बचा है। इसके अंदर न तो पाइप है और न ही सबमर्सिबल पंप है। ग्रामीणों के मुताबिक इस हैंडपंप को पूर्व सरपंच गंगा प्रसाद वर्मा ने बनवाया था और पंचायत द्वारा इसमें सबमर्सिबल पंप के द्वारा ग्रामीणों को
पेयजल की व्यवस्था होती रही है, मगर जैसे ही सरपंच साहब का कार्यकाल पूरा हुआ, इस हैंडपंप का ही कार्यकाल पूरा हो गया और सरपंच गंगा वर्मा हैंडपंप के पाइप और सबमर्सिबल पंप उखाड़ कर ले गए। तब से आज तक हैंडपंप इसी हालत में खड़ा है। नमूने के तौर पर खड़े हैंडपंप के न तो पाइपों की किसी को फिक्र है और न ही पंचायत के सबमर्सिबल पंप की ही चिंता है। मझगवा से एक्सप्रेस रिपोर्टर राम नरेश श्रीवास्तव। इंदौर के चंद्रनगर थाना क्षेत्र में अब तक 10 आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जहां पिछले दिनों एक वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तो वही पुलिस कर्मी अधिकारी फिलहाल में इस संक्रमण की चपेट में आने से दूर है, क्योंकि वो अपनी जागरूकता से ही आरोपियों को पकड़ने जाते थे। इंदौर के चंद्रनगर थाना क्षेत्र में अब तक 10 आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जहां पिछले दिनों एक वारंटी भी पकड़ा गया था जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। फिलहाल में इन सभी आरोपियों को पकड़ने गए पुलिस जवानों का टेस्ट हुआ था, लेकिन कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। वहीं आला अधिकारी आरोपी को पकड़ने जाने वाले जवानों को एहतियात बरतने की लगातार दिशा निर्देश देते थे, जिसका परिणाम ये रहा कि अब तक इस थाने में ना कोई जवान ना कोई अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी आला अधिकारी फिलहाल में इस चपेट से दूर है, क्योंकि आरोपी को पकड़ने जाने में पुलिस जवान पीपी किट व अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे, जिसको लेकर फिलहाल में कोई भी पुलिसकर्मी आला अधिकारी कोरोना की चपेट में नहीं आ सका है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर अजय शेख। अफसर बनकर हाईवे पर वाहन चालकों से अवैध वसूली करने वाली गैंग से जुड़े लोगों की कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की जाए तो हो सकते हैं चौंकाने वाले खुलासे। संरक्षण देने वाले कई लोग हो सकते हैं बेनकाब। सुनेरा थाना क्षेत्र में फोर लेन पर वाहन चालकों से अफसर बनकर अवैध वसूली करने वाली गैंग को कुछ दिन पहले आरटीओ की सक्रियता से कोतवाली पुलिस ने हाईवे से 8 लोगों को पकड़ा था। आपको बता दें कि यह लोग अधिकारी बनकर वाहन चालकों से अवैध वसूली कर रहे थे और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। इनका भांडा तब फूट गया जब वाहन चालक ने आरटीओ चेकिंग के दौरान इन लोगों द्वारा काटी गई रसीद दिखाई और एसपी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस इन लोगों की तलाश में हायर पहुंची और सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामले की खास बात यह है कि उसी थाने की पुलिस इसकी जांच कर रही है जिस थाना क्षेत्र में अवैध वसूली चल रही थी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इसकी निष्पक्ष जांच हो पाएगी। साजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। राजधानी के रहने वाली युवती के नाम से सोशल मीडिया में फर्जी अकाउंट बनाकर अश्लील पोस्ट किया वायरल, खमाड़ी थाने में दर्ज हुआ आरोपी के खिलाफ मामला। सोशल मीडिया पर युवती के नाम का फर्जी आईडी बनाकर अश्लील फोटो पोस्ट करने वाले एक युवक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। महाराष्ट्र में रहने वाले आरोपी ने खमाड़ी क्षेत्र में रहने वाली एक युवती का इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फोटो लगाकर फर्जी आईडी बना लिया और उसमें से अश्लील फोटो वीडियो अपलोड करने लगा। इसकी शिकायत युवती ने खमाड़ी थाने में की थी। इस मामले की जांच साइबर सेल ने की। मामला सही पाए जाने के बाद महाराष्ट्र के रहने वाले एक युवक किरण राजेंद्र पाटिल के खिलाफ खमाड़ी पुलिस ने आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस फिलहाल आरोपी के तलाश में जुटी है। दरअसल इस पूरे मामले में पुलिस ने इंस्टाग्राम में दिए गए वेरीफाइड मोबाइल नंबर के आधार पर ही आरोपी की पहचान की और उसकी पहचान महाराष्ट्र के निवासी के रूप में हुई, जिसके बाद इस पूरे प्रकरण में मामला दर्ज किया गया है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर हेमंत शर्मा। इंदौर पहुंचे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने पत्रकार वार्ता के जरिए जहां कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया है, वहीं उपचुनाव में भाजपा की जीत को सुनिश्चित बताया है। राकेश सिंह का कहना है कि दलितों, आदिवासियों और आरक्षण के नाम पर कांग्रेस पिछले 56 वर्षों से राजनीति कर रही है, लेकिन अब दलित वर्ग भी कांग्रेस के इस रूप को पहचान चुका है। 56 साल में भी इनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। यदि असल मायने में इनके लिए काम हुआ होता तो वर्तमान सरकार को इनकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर जीत की ताल ठोकते हुए सिंह ने कहा कि कोई भी सीट ऐसी नहीं है जिस पर उन्हें पार्टी की स्थिति कमजोर नजर आए। कांग्रेस के 22 विधायकों सहित सिंधिया के भाजपा में शामिल होने पर राकेश सिंह ने कहा कि सभी लोग समरसता के साथ पार्टी में आए हैं और उनके आदर और सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंधिया सम्माननीय नेता है, उन्हें सम्मान के साथ उचित फोरम पर स्थान भी मिल रहा है। ग्वालियर और चंबल संभाग में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को समय समय पर भाजपा जिम्मेदारी सौंपेगी। दीपक जोशी की नाराजगी के मुद्दे पर राकेश सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि बीजेपी में कोई भी असंतोष का भाव नहीं है, बल्कि जोशी पूरे मन से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। इंदौर से रिपोर्टर दीपिका अग्रवाल।
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर महापौर और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा ने वृक्षारोपण कर कर्मचारियों को बांटे सुरक्षा की। दरअसल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर महापौर और कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा ने उद्यान में वृक्षारोपण किया। इस दौरान सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत एवं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हमने भी यहाँ विजेता गार्डन में वृक्षारोपण किया। हमारे साथ महापौर एजाज जेबर और बहुत से पार्षद मौजूद थे। सभी ने वृक्ष लगाए, साथ ही कोरोना वायरस की महामारी से बचाव के लिए सुरक्षा की दृष्टि से 100 सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा किट बांटे। बता दें कि जन्म दिवस के अवसर पर ब्लॉक स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक युवा कांग्रेस NSUI और कांग्रेस द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किए गए, साथ ही राहुल गांधी के दीर्घायु की कामना की। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिवम मिश्रा। एक्सप्रेस रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।